की स्प्लेंडर थी ना वो आ चुका है बंदा, देखते कि उसको क्या लगेगा। भाई देख ले भाई, कहाँ टूटा था? इस वाले साइड था कि इस वाला साइड? आज मेरा पहली बार फर्स्ट टाइम ले जा रहा हूँ बाइक को खुद मतलब वॉशिंग के लिए, क्योंकि इसमें ना रस्ट बहुत ज्यादा, आपने देखा वीडियो में इसमें रस्ट लगा हुआ है। क्या जी देखो, सर्दी के कारण आप चेक कर सकते हो क्या हो गया पीछे, ये है सर्दी, इसका नाम है सर्दी। अब करे तो करेगा भाई, कटके नहीं फटके हाथ में आ गई भाई। सो है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल आर के द मिस्टीरियो। तो कैसे आप लोग, बढ़िया हो, बढ़िया होने चाहिए। सो स्वागत है आपको मेरी यूट्यूब चैनल में आर के द मिस्टीरियो में। सो गाइस, सबसे पहले करते काम, सबसे पहले अपने उड़े हुए बालों को सेट करते और फिर जाके बढ़ते आगे। सबसे पहले करते हम सिरम यूज अपने हेयर्स में, क्योंकि दिन भर शॉप पे बैठ के ना बाल बार बार आंखों पे आते रहते, इसके कारण मेरे बालों को सेट करते फिर देखते क्या होगा क्या नहीं होगा। मिरर तो मेरा यहाँ है पर मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ। आज का जो प्रोजेक्ट है ना गाइज, वो बहुत ही टफ है। जो मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि हमारी शॉप पे आ रही है R15 वर्जन 3, जो कि बहुत ही खराब कंडीशन में, हालत ही बिगड़ गई है गाइज उसकी। सो गाइज, उसको भी हम बना देंगे, वैसी बात नहीं है, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले चलते करते ब्रेकफास्ट और उसके बाद जाते हैं अपने शॉप पे। सो गाइज, यहाँ पे आ चुकी है हमारे लिए राजमा दाल, वो भी घी से भरा हुआ, और यहाँ पे अचार और यहाँ पे रोटी। कौन कौन खाना पसंद करेगा? ढाबे वाली रोटी एकदम मजेदार कड़क। सो गाइज, करते बिस्मिल्लाह दाल में डुबो कर रोटी को, मजा तो एक नंबर का, एक नंबर का अचार। अचार जो है से एक बेग तीन चार छः। सो गाइज, हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है, अब चलते हैं अपनी शॉप की ओर। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो कौन सी बाइक है और उसमें क्या क्या करना पड़ेगा हमको। पहनने वाले अपने शूज, ये वाले तो नहीं पहनेंगे क्योंकि शॉप पे ना हमारे जूते फट जाते, तो हम पहनेंगे ये वाले, ये हमारे काम के शूज़ है, ये हम काम के वक्त पहनते हैं। सो गाइज, बाइक आपके सामने है, ये वाली, इस पर कलर हो चुका है ऑलरेडी, बट हमको इस पर ये वाला कलर रिमूव करना पड़ेगा, और उसके बॉडी पार्ट्स जो भी है, ये जो क्रैक्स पड़े हैं ये भी हमको ठीक करने पड़ेंगे, और इसके जो सीट कवर है वो भी हमको नया लगाने पड़ेगा। सबसे पहले गाइज, इसको हम ले जाते हैं वॉशिंग पे, क्योंकि आप इसकी हालत चेक कर सकते हो, तो इसकी हालत कितनी ख़राब है, और ये जो इंजन है इसका, ये भी हमको पेंट करना पड़ेगा, और ये जो बाकी बॉडी पैनल्स है इन पर हमको पेंट करना पड़ेगा प्रॉपरली, और इसमें बहुत सारे एक्सेसरीज है वो हमको इंक्लूड करनी है। सो गाइज, चलो करते हैं वर्क स्टार्ट। अभी आप गाइस ये चीज़ चेक कर सकते हो, यहाँ से पैनल फुल टूट चुकी है, और अभी आप बाइक में देख सकते हो जंग कितना है। मतलब भाई ऐसा लगता है कि पिछले 2 सदियों से इसने बाइक नहीं धोई है। आप चेक कर सकते हो गाइस, यहाँ से भी कितना रस्ट लगा हुआ है इस बाइक पे। पहले हम इसकी क्लीनिंग कराते, इसकी वॉशिंग कराते, और फिर जाके इसको हम इसके बॉडी पार्ट जो भी है वो हम रिमूव करने वाले हैं, और लड़के फुल पावर रेडी है बाइक को खोलने के लिए। सबसे पहले ले जाते हैं इसको क्लीनिंग के लिए, क्योंकि इसमें क्लीनिंग सबसे पहले बहुत ही जरूरी है, वरना यार पेंट करके ना इसमें केमिकल वेमिकल कुछ नहीं दे सकते हम। कितनी ठंड लग रही है तेरे को? ठंड बहुत ही ज्यादा है गाइस, और आज मेरा पहली बार फर्स्ट टाइम ले जा रहा हूँ बाइक को खुद मतलब वॉशिंग के लिए, क्योंकि इसमें ना रस्ट बहुत ज्यादा, आपने देखा वीडियो में इसमें रस्ट लगा हुआ है। इससे पहले चलते हैं अपने साकी भाई के पास और कराते हैं इस बाइक की क्लीनिंग, और फिर जाके इसके बॉडी पार्ट जो है वो गाइस रिमूव करने वाले हैं हम, और फिर इसमें काम रहेगा पेंट वगैरह जो भी है, सब इसमें मैसेज कर देंगे। अभी सर्दी का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये देखो मेरे घाव कितने लाल बन रहे हैं, लाल लाल लाल। तो गाइज, अभी हमारे बाइक की वॉशिंग जो हो रही है, और उसके बाद में इसे केमिकल लगेगा जिससे जंग वंग जो भी है वो उठेगा इससे। मतलब अगर जंग रहेगा ना बाइक पे, तो बाइक पे उतना मज़ा नहीं आएगा, कोई फील नहीं आएगा बाइक में, क्योंकि भाई जब बाइक पे कलरिंग और मॉडिफिकेशन न्यू होनी जा रही है, बाइक भी लगनी चाहिए ना कि भाई एकदम नवी नवेली दुल्हन है। सो गाइज, अभी हमारे साकिब भाई बहुत ही शिद्दत से इतनी सर्दी में भी हमारी बाइक वॉश कर रहे हैं। बाइक का क्या कहना भाई, बाइक बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। और उसके बाद में भाई ने कहा कि इस पर पहले डीजल देंगे और उसके बाद में पेट्रोल, जो भी इसका जंग पंग है जो भी है वो इस पर रिमूव हो जाएगा, और उसके बाद में हम करने वाले इसके बॉडी पार्ट्स रिमूव और ले जाना है इसको कलरिंग के लिए। वहाँ से जाके इसमें करते हैं बॉडी को फिर से असेंबल, और उसके बाद में लगाते हैं इसमें हम बहुत सी एक्सेसरीज,
जो कि जिसको देखने में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो के एंड तक बने रहे, इस वीडियो में बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्यार दिखाओ गाइज, 10K पहुंचा दो। सो ऑलराइट गाइज, अभी मैंने बाइक जो है वॉशिंग के लिए छोड़ दी है और मैं चल रहा हूँ अपनी शॉप की ओर। मैं अभी मतलब पैदल ही चल रहा हूँ क्योंकि मैंने ना अपनी बाइक वहीं पे रखी है और अपने कारीगर को वहीं पे रखा क्योंकि उसको बताया मैंने कि मैं चलता हूँ शॉप पे, क्योंकि शॉप पे ना बाकी भी काम होता है। उसी की वजह से आप बाइक के पास बैठो और बाइक को फुल क्लीन करके फुल मतलब प्रॉपर सुखा के बाइक शॉप पे लाओ और तब जाके उसके हम बाड़ी पार्ट जो भी है रिमूव करने वाले हैं। और सबके मन में रहता है कि हमारी बाइक के लिए क्या बेस्ट रहेगा, तो आपकी बाइक के लिए बेस्ट रहेगा कलरिंग, क्योंकि रैप ना बहुत ही जल्दी उठता है यहाँ पे कश्मीर में, ठंड की वजह से बहुत रैप जो है वो बहुत ही जल्द उठता है। इसीलिए आप अपनी बाइक में हमेशा कलर ही डिसाइड करो, क्योंकि कलरिंग कुछ भी नहीं उठता, अगर उठता भी है तो मतलब किसी किसी जगह पे जो स्टील पार्ट होता है उसमें सबसे ज़्यादा कलरिंग उठती है। सो गाइस, अभी ना हमारी बाइक वॉश होकर आ चुकी है, आप देख सकते हो प्रॉपर वॉश होकर आ गई है और अभी हम इसके बॉडी पार्ट जो भी है वो हम रिमूव करने वाले हैं। अभी बाइक को फुल रिमूव करके और उस पर जो भी स्टिक करेंगे वो उठाएंगे हम, उसके बाद में जाते हैं इसको हम कलरिंग के लिए। सो गाइस, अभी जो हमारी ये वाली बाइक है इसके बहुत से पार्ट्स खुल चुके हैं, अभी जो ये नीचे वाले पार्ट्स है ये खुलने जा रहे हैं और उसके साथ हम इस बाइक का काम कर रहे हैं। आप ये चेक कर सकते हो, इसका जो ये वाला पोर्शन था ये प्रॉपर ख़त्म था अंदर तक, हमने इसको खोल के ये पहले फिट किया और इसके इसमें अब जाके हम रैप करने वाले हैं। इसमें हम ब्लैक रैप भी करेंगे वापस से, क्योंकि कस्टमर की चॉइस है कि मुझे और कोई रैप नहीं करना है इसमें, क्योंकि ब्लैक है भाई और ये ब्लैक ही जचती है, इसमें ब्लैक रैप करने वाले हैं। जितना आसान आपको ये काम दिखता है ना उतना होता नहीं है, बट हम फिर भी दिल से मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर किसी कस्टमर का पार्ट टूटता है तो गाइज जो पार्ट यहाँ पे 2000-3000-2500 में मिलता है हम उसी को रिपेयर कर देते हैं। मतलब अगर कोई पार्ट 2000 का है तो उसी को हम रिपेयर करते हैं, लगभग उसमें लग जाते हैं करीबन 500-600 तक, बस प्रॉपर वही वैसे ही बनता है जिससे कंपनी से होके आता है वैसे ही बन जाता है। और अगर किसी को अपनी बाइक में फुल रेस्टोरेशन करानी हो तो उसका प्राइस भी मैं मतलब अगली वीडियो में बताऊंगा कि कितना क्या प्राइस आता है, मतलब कौन से एक्सेसरीज का कितना प्राइस है वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा फुल प्रॉपर। सबसे पहले इसका काम खत्म करते हैं क्योंकि भाई कस्टमर को भी लेट हो रहा है बहुत ही ज़्यादा, सुबह से लाइट नहीं थी तो उसी के कारण काम रुका हुआ था। सो अब जाके लाइट आई है, क्योंकि आज ना लाइट के बगैर रैप करना मिशन इम्पॉसिबल। तो जो बुलेट आप देख रहे हो ना ये बच्चों की खेलने की चीज़ नहीं है, हाथ कट जाए तो खून निकल आ जाता है, रसबेरी क्या बोलते हैं अपन लोग, रसबेरी क्या। देखो सर्दी के कारण आप चेक कर सकते हो क्या हो गया पीछे, ये है सर्दी, इसका नाम है सर्दी, अब करे तो करेगा भाई, कटके नहीं फटके हाथ में आ गई भाई यार, इसी को बोलते हैं नहले पे दहला। अब मैं बहुत ही आराम से उठाऊंगा क्योंकि यार वरना तो भारी नुकसान झेलना पड़ेगा अपन लोग, मेरी ही गलती है क्योंकि मैंने बहुत तेज उठाया भाई। इसे हमको लाइट भी स्मोक करनी है, पहले हम इसे ये वाला करते हैं ये वाला पोर्शन, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा ऑड लग रहा है, अगर कस्टमर आया तो उसको लगे कि भाई अभी मेरी बाइक में कोई काम ही नहीं हुआ है, पहले हम ये अपने बाइक की वैसी बात नहीं है, वो मतलब सबर कर सकता है, बट उसके आने से पहले उसको ना शॉक रखना चाहिए कि भाई बाइक में कैसा काम हुआ है। चलो तो करते बिस्मिल्लाह। तो गाइस स्पेशली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाता हूँ, मतलब मैं किसी व्यूवर्स के लिए नहीं बनाता हूँ, किसी फैम के लिए नहीं बनाता हूँ, मैं ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनका पार्ट टूट गया ना, मतलब कंपनी पे जाके वहाँ के टेक्नीशियंस के पैर पकड़ना, भाई हमें पार्ट दो और देते नहीं है, मतलब उधर से इधर। सो गाइस अगर किसी का हेड टूटा है या किसी की पैनल टूटी है, जो भी टूटा है भाई आरके के पास आओ, मैं आपको फुल प्रॉपर ठीक करके दूंगा।
सो गाइस अभी आप ये चीज चेक कर सकते हो, मतलब यहाँ पे क्रेक था, यहाँ से यहाँ तक क्रेक था। अभी आप चेक कर सकते हो कोई फर्क नहीं दिख रहा, कुछ भी नहीं दिख रहा और प्रॉपर इस पे रैप हो चुका है। सो गाइस अभी जाके इसमें स्मोक कर देते हैं हम, फिर जाके हम उस बाइक में काम स्टार्ट करते हैं। गाइस इसका स्मोक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, बट इस वाली चीज को उठा के ना अलग ही सर्टिफिकेशन मिलती है इंसान को। ये चेक कर, इस वाली पीएल को उठा के ना अलग ही सर्टिफिकेशन मिलती है। जिसकी स्प्लेंडर थी ना वो आ चुका है बंदा, देखते कि उसको क्या लगे, वो आ रहा है, वो चीज चेक करो, वो आ रहा है बंदा, उसको दिखाते कि भाई भाई अभी काम नहीं हुआ बाइक में, अभी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम लगेगा। अरे हो गया यार, देख ले भाई, देख ले भाई, भाई। कहाँ टूटा था, इस वाले साइड था कि इस वाला साइड, दिखा किस साइड था याद ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रहा है किस साइड था। उस साइड से तेरा टूटा हुआ फुल, पूरी कवर हो चुका है, दिख ही नहीं रहा है। अभी रैप करके लग रहा है आपको कि रैप करके या नहीं? ये सब प्रॉपर मैंने इस पर ग्रिल जो है ना, जो ग्रिल था ना इसे लाइट कम हो रही थी, ये मैंने उठा के इस पर स्मोक लगा दिया डिम वाला, ठीक है, मतलब ये अलग ही जचेगा। और इसके जो बाकी प्रोसेस है, जो इसका कलरिंग का प्रोसेस है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसका, ठीक है। तो आपको काम कैसा लगा भाई? एक नंबर का। अब कैप डालने की जरूरत तो नहीं है ना? और गाइज इस बाइक के जो भी पार्ट्स थे वो हमने रिमूव कर दिए, आप चेक कर सकते हो। अब इनमें फुल क्लीनिंग करके इसका जो भी रैप वगैरह है ये हम उठाएंगे और उसके बाद में हम इसकी बॉडी ले जाते हैं, मतलब पेंट के लिए। आपको आज के व्लॉग में बहुत सारा मजा आया होगा और आज के व्लॉग में बहुत सारा प्यार दिखाना, क्योंकि आपके लिए दिन भर मेहनत करना और नई नई मोटिवेशन वीडियोस लाना। सो गाइस जो भी हमारे कस्टमर है, मैं चाहता हूँ कि वो दिल से खुश हो अपनी बाइक को देखकर, क्योंकि हर कोई बंदा सेम नहीं होता, हर कोई बंदा अपने लिए न्यू बाइक नहीं ला सकता। हम ओल्ड बाइक उसके लिए रेस्टोर करके उनको ओल्ड वाली बाइक न्यू बनाकर देते हैं, उसके लिए एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है, ठीक है। सो गाइस चैनल में जितने भी न्यू है उन सबसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ भी। ये जो आप बाइक देख रहे हैं अभी R15 वर्जन 3, इसका हम नेक्स्ट पार्ट डालने वाले जो कि कलरिंग का होगा और मॉडिफिकेशन का होगा। होप गाइस आप सबको इस वीडियो में मजा आएगा, तो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।